तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि बिहार आईटीआई का एडमिशन का डेट जो रजिस्ट्रेशन का चालू हो चुका है 2021 के लिए, कब इसका लास्ट डेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के रजिस्ट्रेशन करने की प्रारंभिक तिथि 5/7/2021 और अंतिम तिथि इसका है 5/8/2021 निर्धारित है, जो कि आप इस वेबसाइट पर जाके bcecboard.bihar.gov.in पे जाके इस पे आप लोग विज्ञापन देख सकते हैं और कुछ देख सकते हैं। तो इस पे किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या रजिस्ट्रेशन में लगेगा, उम्र की सीमा क्या होगा और क्या फ़ी लगेगा, इसके बारे में इस वीडियो में आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से ये और फिलअप करना और क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये खोल चुके हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि बिहार राज्य के सभी गैरसन हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित की जाने प्रवेश 2000 के निर्धारित पर आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या लगेगा मेन, वो मैं आपको मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या क्या इसमें लगेगा, क्या नहीं लगेगा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समिति की वेबसाइट, ये वेबसाइट हो गया bcecboard.bihar.gov.in। इस पे जाना है आपको और इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करते हैं, इसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो ज़रूरी है, ईमेल आईडी सही होना चाहिए और फ़ोन नंबर सही होना चाहिए। और ईमेल आईडी आपका जो आईडी होता है यूजर आईडी, वही यूजर आईडी रहेगा और फ़ोन नंबर भी आपका इसमें ज़रूरी है, ताकि जो भी भविष्य में सूचना वगैरह मिलेगी इसी पे आपको सूचनाएं मिलते रहेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको मैं ये बताता हूँ कि क्या क्या और चीज़ आपको ज़रूरी है इसमें। एक हो गया फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लगेगा आपको, और दूसरा आपका हो गया कि रंगीन फ़ोटो लगेगा, हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर लगेगा आपका, और इसका फ़ोटो का साइज क्या होगा और इसका सिग्नेचर का साइज क्या होगा, उसके बारे में मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों, इसमें शैक्षणिक योग्यता संबंधी सूचनाएँ को कंप्यूटर स्क्रीन व्यवस्था अनुसार देना होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मिनिमम आपको 10th पास होना ज़रूरी है, पर आप इंटर ग्रेजुएशन के बाद भी ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बात करें फ़ी पेमेंट की, तो फ़ी पेमेंट की बात करता हूँ। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट दिखाने के बाद ही मैं कुछ बोलता हूँ, ऐसे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। फ़ी पेमेंट की बात करूँ, यहाँ देख रहे हैं कि जो व्यक्ति समान पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कहने का मतलब OBC और EBC जो है, उनको 750 रुपया इसमें लग रहा है फ़ी, 750 फ़ी लग रहा है इसमें। और जो SC ST आ रहे हैं उनको 100 रुपया, और जो विकलांग हैं डिसेबल है उनके लिए 430 रुपये का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका क्राइटेरिया बटा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप पे देख लिए कि 750 लग रहा है BC को और SC ST को 100, और जो विकलांग है जो डिसेबल है 430 रुपया लग रहा है। तो अब इस प्रकार से देख लिए, और फॉर्म जो भी भरना आपको सही से सही भरना, अगर गलत होता है तो विद्यार्थी खुद उसका जिम्मेदार होगा। अगर आप फॉर्म सही समय से फिलअप करते हैं और सही समय से उसका पेमेंट हो जाता है, तो आपको बाद में अगर गलती हो जाता है तो एडिट का ऑप्शन उसमें मिलता है। तो एडिट का ऑप्शन मिलता है तो एडिट बटन पे जाके आपको इस तरह से एडिट करके फिर से सबमिट करना होगा। तो आइए मैं और आपको इसके बारे में कुछ बता दूँ। यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन फॉर्म उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र में भरने में कोई सूचना फोटो अपलोड गलती तो सुधार करने तो एडिट करने का मौका 10/8, जैसा कि मैं पिछले बताया था, 10/8/2021 से 12/8/2021 तक दिया जाएगा। यानी 10/8 से 12/8 तक आप इसको सुधार कर सकते हैं। केवल वैसे अभ्यर्थी ही सुधार कर सकते हैं जिन्होंने निर्धारित तिथि पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिए हो। अगर आप परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाते हैं तो वैसे एप्लीकेंट उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो
5-7 यानी आज से शुरू हो गया है ऑनलाइन भरने का डेट, और उसके बाद और ये इसका लास्ट डेट है 5/8/2028 यानी 5 अगस्त 2021 11:59 रात तक आप भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रो चलान यानी अगर बैंक से अगर चलान जमा करके पैसा जमा करना चाहते हैं तो 7/8 तक आपको जमा करना पड़ेगा। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो 9/8/2021 तक इसको पेमेंट कर सकते हैं। और यदि ऑनलाइन एडिट एप्लीकेशन का दिया हुआ वही 10/8/21 से 12/8/21 तक ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आइए दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा था खास पॉइंट, मैं आपको बता रहा हूँ खास पॉइंट क्या है। तो इसमें दिया गया अपूर्ण रूप से भरा गया बदलाव था, छेड़छाड़ किया गया, ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत यानी रद्द कर दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें, अगर उम्र की बात करें तो 1 अगस्त 2021 तक न्यूनतम आयु 14 वर्ष, किंतु अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल एवं मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उक्त तिथि को न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना आवश्यक, यानी अगर मैकेनिकल मोटर और व्हीकल एवं मैकेनिकल ट्रैक्टर के लिए जो आप कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र 17 वर्ष होना है, बाकी और समूह के लिए 1 अगस्त 2021 तक उसका उम्र 14 वर्ष होना चाहिए। शैक्षणिक तथा आवासीय अर्थात अन्य नियमों शर्तों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI CBSE बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जाके आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ऑनलाइन कैसे करना, फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है, बोलने में थोड़ा त्रुटि हो रहा है, माफ़ करेंगे। फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है तो मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। आज का बस टॉपिक इतना ही। जय हिंद।